हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जांपल 2.2। आप लोग देख सकते हैं बुक में एंड ऑन पेज नंबर 2.12। सो एग्जांपल 2.2 सेज दैट इन अ सर्टेन इंडस्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इन 1000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर 1994 to 2004 इज गिवेन इन एडज्वाइनिंग टेबल। तो इस टेबल में देखिए एक प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स में हो रहा है वो, और वो गिवेन है आपको 1994 से लेकर 2004 तक का डेटा गिवेन है। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, ग्राफ द डेटा, डेटा को ग्राफ करना है। तो देखिए वो हम लोग इजिली ग्राफ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको ग्राफ करना मैंने इससे पहले भी बताया हुआ था। तो देखिए ये जो ईयर है, तो इस ईयर को आप लोग ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज दी हुई हैं प्रोडक्शन की, तो इनको आप लोग वाई एक्सिस पे लेके इजिली प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि बुक में भी गिवन है। आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम से देख सकते हो। तो देखिए ग्राफ हम लोग आसानी से कर सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट मैं नहीं बताऊंगी। तो जो सेकंड पॉइंट है, देखिए वो क्या कहता है, ऑब्टेन द लीस्ट स्क्वायर लाइन फिटेड द डेटा एंड कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ द ट्रेंड लाइन। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर लाइन को हमें फिट करना है। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा, और इसकी जो ट्रेंड वैल्यू है वो भी हमको क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमें काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें टेबल बना लेनी है। ओके, तो देखिए मैं आपको टेबल बना के दिखाती हूँ। सो देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसको, तो मैंने देखिए यहाँ पे ईयर्स लिख लिए हैं, और उसकी करस्पॉन्डिंग जो वाई टी की वैल्यू है वो मैंने सब्सिट्यूट कर ली। तो सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे कि जो एन की वैल्यू है, एन इज इक्वल टू 11 है। तो एन इज इक्वल टू 11 है, तो हम लोग जो हमारा ओरिजिन है वो उसको हम लोग शिफ्ट किधर कर लेंगे, जो मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म है हमारा ये 1999, तो इसकी तरफ जब हम लोग शिफ्ट करेंगे अपने ओरिजिन को, तो यहां से हमें निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू, और x इज इक्वल टू हो जाता है t माइनस 1999। दैट मीन्स कि अब हमें ये x की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग देखिए x की वैल्यूज को हम लोग फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए टी माइनस 1999 करना पड़ेगा। तो देखिए ये मिडिल टर्म है, तो जब हम लोग टी में से 1999 माइनस करेंगे, तो ये तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टी, उसके बाद देखिए टी की जगह अगर हम लोग 1994 रखते हैं और माइनस 1999 करेंगे, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाती है, ये आ जाएगी माइनस 5। अब हम लोग देखिए 1995 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1999, तो इसी तरह से देखिए आ जाएगी वैल्यू माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, देन यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये वैल्यूज आ जाती है। अब देखिए हमें इसके समेशन, इसके सम की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए फिलहाल तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब x की वैल्यू फाइंड कर ली है, देखिए अब हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज करना है, तो उसके लिए हमें और भी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। x इंटू वाई की हमें जरूरत पड़ेगी, देन हमें जरूरत पड़ेगी x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए x इंटू वाई है, अब x इंटू वाई जब आप लोग यहां से कर लोगे, तो देखिए मैं उसकी वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ, आप लोग उसको बुक से देख लीजिएगा। आप लोग जब x इंटू वाई यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी उनका सम यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 434.1। मैं आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जब आप लोग बुक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप लोग को इजिली समझ में आ जाए। अब देखिए यहां से ये वैल्यू थी x की, जब x की वैल्यू का सम होगा तो जीरो आ जाएगा, एंड यहां पे देखिए वैल्यू है yt की, जब yt का सम होगा तो ये आ जाएगा 1050.4। अब देखिए xy की वैल्यू का सम यहाँ पे निकल आया है, देन x स्क्वायर का जब हम लोग सम करेंगे तो ये आ जाएगा 110। अब देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन था सेकंड वाला, पहला तो ग्राफ करने वाला था, आप लोग ग्राफिंग आती है, आप लोग ग्राफ कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन था कि हमें इक्वेशन जो गिवन है उसको हमें फिट करना है। अब देखिए जो लीनियर इक्वेशन है वो हमें क्या गिवन होती है, yt इज इक्वल्स टू a प्लस bt, भी यहां से हम लोग ले सकते हैं, बट हम लोगों ने ओरिजिन को शिफ्ट किया है x की तरफ, तो हम लोग यहां से bx ले लेंगे। अब हम लोगों ने bx ले लिया, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमें इसका वही लीस्ट स्क्वायर निकालना होता है, एस ई स्क्वायर, उसको देन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, देन विद रिस्पेक्ट टू बी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर हमें नॉर्मल इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो देखिए ये जो फाइंड करना नॉर्मल इक्वेशंस मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज में बताया है, और उसको आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं नॉर्मल इक्वेशंस को लिख दे रही हूँ। तो देखिए पहली नॉर्मल इक्वेशन क्या आती है, yt इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन टी, और उन वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जो लोग अगर बीच से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग उन वीडियोज को भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहां से ये हो गया, देन ये क्या हो जाएगा, समेशन जो आपकी नेक्स्ट आती है वो यहाँ पे होता है टी इंटू वाई टी, बट यहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट करी है एक्स की तरफ, तो यहाँ एक्स इंटू वाई टी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए समेशन एक्स हो जाएगा प्लस बी समेशन
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों आपकी नॉर्मल इक्वेशंस आ जाती हैं और इन्हीं नॉर्मल इक्वेशन का यूज करके हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए वो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए समेशन ओवर वाई, तो वाई का समेशन यहाँ पे क्या है 1050.4, ये फाइंड कर लिया था। एन की वैल्यू कितनी है 11 है, तो 11 इंटू ए हो जाएगा प्लस बी, बी लिख दिया और समेशन ओवर एक्स, समेशन एक्स की वैल्यू जीरो है तो देखिए ये हो जाता है जीरो। तो यहां से अगर हम लोग ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 95.49। कैलकुलेटर्स का यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए ए की वैल्यू पता चल गई है तो अब हमें यूज करना है इसका। तो समेशन एक्स वाई, देखिए एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 434.1 इज इक्वल टू ए, समेशन एक्स की वैल्यू है जीरो तो यहाँ पे जीरो हो गया। देन बी, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 110। अब देखिए यहां से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी आ जाएगी 3.95। तो देखिए ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई और ये होती है हमारी मेन इक्वेशन। तो हम यहां से इसको फिट कर सकते हैं कैसे, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 95.49 प्लस बी की वैल्यू है 3.95 इंटू एक्स, तो देखिए ये हमारी इक्वेशन फिट हो गई है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था कि हमें ये जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको हमें फिट करना है। तो देखिए हमने ए और बी की वैल्यू रख के इसको फिट कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि कंप्यूट, क्वेश्चन का ये जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया है कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1994 to 2004 and estimate the production of commodity during the year। मतलब हमें 1994 से 2004 तक की जितनी भी वैल्यूज दी हुई है उसमें सब में हमें ट्रेंड, ये जो वैल्यू है उसको हमें कंप्यूट करना है और इसकी फ्यूचर वैल्यूज भी बतानी है। मतलब समझ लीजिए 1995 और 6 हमें गिवन नहीं है तो ये इसकी फ्यूचर वैल्यूज हो गई है, तो इसके भी हमें एस्टिमेट करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम इसलिए ही यहाँ पे छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, वाई जो हमारी ये जो इस फिटेड ये जो लाइन है तो y इज इक्वल टू 95.49 प्लस 3.95x, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, x की वैल्यू -5 जो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारी ट्रेंड वैल्यू, देखिए ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 75.74। अब -4 है तो -4 की जब वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे -4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 79.69। तो इसी तरह से जब हम लोग सॉल्व करते हुए आएंगे तो लास्ट वाली जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 115.24। तो इसी तरह से देखिए अब हमें देखिए निकालना क्या है, अब हमें निकालना है क्वेश्चन में गिवन है 2005 एंड 2006 के लिए। अब ये तो दिया हमें 2004 के लिए, अब 2005 की अगर बात करें तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखिए एक एक के डिफरेंस पे है, एक एक जो पॉइंट है उसमें बढ़ता जा रहा है, तो 2005 के लिए ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें 2006 के लिए निकालनी है तो हमें इसमें x की जो वैल्यू है वो 6 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, 2005 के लिए हमें 6 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और 2006 के लिए हमें x की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो जब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी। तो देखिए क्या हो सकती है वो, तो वाई ई इज इक्वल टू 95.49 प्लस 3.95 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 6 रख देंगे। सो एक्स की जगह पे जब हम लोग ने 6 रखा तो आ जाएगी 119.19। अब इसी तरह से देखिए जब हम लोग यहाँ पे हम लोग को निकालना है 2006 पे तो उसकी जगह पे एक्स की जगह में हमें क्या रखना है 7 रखना है, तो जब हम 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 123.14। तो इस तरह से अगर आप लोग को 2005 और 6 ना देगी 2012 भी दिया होगा तो आप लोग देख लेंगे कि कितने पॉइंट आ रहा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जब आप लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी ट्रेंड वैल्यूज हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के लिए तो वो आप लोग फाइंड कर सकते हो। नाउ अब आप लोग देखिए यहाँ पे जो लास्ट इसका जो पार्ट है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, उसमें कह रहा है एलिमिनेट द ट्रेंड। अब आपको ट्रेंड को एलिमिनेट करना है, तो देखिए ट्रेंड को हम एलिमिनेट कैसे करते हैं। अब आप लोग को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वीडियो नंबर सेकंड में कि हमारे पास मॉडल कैसे होते हैं, एडिटिव मॉडल होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होते हैं। अगर एडिटिव मॉडल में आपको एलिमिनेट करना है ट्रेंड को तो आप लोग क्या करते हैं, जो भी गिवन वैल्यू वाई टी होती है उसमें जो एस्टिमेटेड वैल्यू वाई ई जो हम लोग निकालते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए एडिटिव मॉडल है तो आपको ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू निकालनी है तो आप लोग करोगे वाई टी माइनस वाई ई। अगर वहीं आपका
मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है तो आप लोग क्या करोगे, वाई टी अपॉन वाई ई करोगे, दैट मीन्स उसे डिवाइड कर दोगे, तो इस तरह से आप लोग निकालोगे उसको। सो अब डायरेक्टली देखिए, मैंने ये बुक का जो सोल्यूशन था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैं यहाँ से ही आपको समझा दूंगी। तो इसमें देखिए इन लोगों ने क्या किया है, जब देखिए एडिटिव मॉडल सपोज किया है तो देखिए वाई टी, जो वाई टी वैल्यू थी 6.66, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, और वाई ई वैल्यू अभी देखिए हम लोगों ने एस्टिमेट करी थी 75.74, ये हम लोगों ने निकाली हुई थी। तो जो क्वेश्चन की वैल्यू गिवन है सब्ट्रैक्ट कर दी जो हम लोगों ने एस्टिमेट करी थी वो वैल्यू, तो इन वैल्यू को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाता है -9.14, तो ये आ जाती है आपकी ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू। इसी तरह से देखिए हम लोग सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव मॉडल लिया है, तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हम लोग को क्या करना था, डिवाइड करना था वाई टी को वाई ई से, तो 6.66 हमें गिवन था एंड 75.74 हमने फाइंड किया था, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमें मिल जाएंगी अपनी ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज। तो आप लोग को ये खास करके ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको एडिटिव मॉडल है या फिर आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल गिवन है, तो जो भी मॉडल आपको गिवन होगा उसके करिस्पॉन्डिंग आप लोग अपनी ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।